ओके, नॉर्थ कुल्लू के बाद जो रास्ता है वो पूरा ख़त्म रास्ता आ गया है। मतलब अभी यहाँ पे रोड बनाने का काम चल रहा है, डामर पटकना बाकी है, बाकी ये पत्थर वगैरह टाइट ऑलमोस्ट कर दिए हैं और नुकीले पत्थर हैं, तो थोड़ा संभल के आइएगा, इधर टायर कट सकता है, लूज पत्थर भी है, लग सकते हैं आपको कहीं पर भी, तो थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से ही निकले यहाँ से। ओके, तो करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद अब रोड थोड़ी ठीक आ गई है, तो आप कभी भी अगर नॉर्थ कुल्लू की साइड साइड आए तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आना कि रोड का काम चल रहा है और आपको स्लो ही चलानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम लेके निकले जल्दी पहुँचें। अभी हम खारदुंग विलेज में पहुँच चुके हैं जो कि 14763 समथिंग फिट की एल्टीट्यूड पे है, और रोड काफ़ी ख़राब थी यार नॉर्थ कुल्लू से लेके यहाँ तक, अभी बीच बीच में ख़राब आ रही है, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। अभी तक तो हमने 72 किलोमीटर ही कंप्लीट किए हैं। ओके, तो अभी खारदुंग जो विलेज था उसके बाद अभी नेक्स्ट विलेज जो आ रहा है वो है खलसर, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ की रोड काफ़ी ठीक लग रही है, होप सो बढ़िया होगी। थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई, जो पहाड़ हैं काफ़ी सूखे सूखे से हो गए हैं और हल्की फुल्की जो रेत के बाउंडर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ भाई हम रेगिस्तानी इलाके की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब रोड की कंडीशन काफ़ी ठीक है और राइट साइड आप नज़ारा देखिए, मैं वाह और ये कर रहा हूँ लेकिन ध्यान मेरा रोड की तरफ है। तो भाई खलसर अभी 3 किलोमीटर और हैं, 4:30 बज चुके हैं और हम लोगों को 93 किलोमीटर हो गए हैं, और एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड हम लोग 3200 मीटर पे आ चुके हैं। अब सीन जो है वो पूरे ही चेंज हो गए हैं, देखिए किस टाइप से वाइट हर तरफ वाइट धूल दिख रही है। पीछे अभी एक किराया गया था जहाँ से पेंगोंग के लिए शायद सीधा रास्ता जाता है, आई डोंट नो इधर से कौन कब जाएंगे। ये नकली स्थान के अंदर पानी कहाँ से आ गया और वो भी इतना ज़्यादा। अभी हम जस्ट कोई खलसर जगह थी वहाँ से निकले और पानी देखो भाई साहब, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, देखो पीछे से, शानदार यार, शानदार। ओके, हम कोशिश कर रहे हैं कि दिस्कित मोनेस्ट्री है वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाए ताकि शाम के जो व्यूज़ हैं वो ले सकें। बने रहिए साहब, आप सभी को मिलेंगे हम दिस्कित मोनेस्ट्री के आसपास। और अभी वहाँ पे एक चौराहा टाइप आया है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है दिस्कित की साइड, और ये जो आते हैं इनके बगल में ही यहाँ पर है पेट्रोल पम्प, तो अभी मैं शुभम का वेट करता हूँ, वो आ जाए उसके बाद आगे निकलते हैं। और जय भैया उधर आगे निकल गए हैं। तो भाई यहाँ से जो दिस्कित मोनेस्ट्री है वो मात्र 16 किलोमीटर बची हुई है, और तो काफ़ी सीधी रोड थी, बड़ी शानदार रोड थी, मज़े आ गए इस पर, थोड़ा सा बढ़ा के देखा दिस्कित मोनेस्ट्री, वहाँ से वो बुद्धा की स्टेचू यहाँ पे दिख रही है अभी। तो भाई साहब क्या ही लुक आया है, क्या ही यहाँ पे व्यू आया है, कितना शानदार। और ये रोड थी, ये काफ़ी बढ़िया रोड थी, वहाँ से सीधा आ रही है, हो सकता है यहाँ पे पानी बहता हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो रोड सीधी बनी हुई है, शानदार, एक नंबर व्यू, एक नंबर। यहाँ की कुछ फ़ोटो ली जा रही है। ये था मोनेस्ट्री का दरवाज़ा जो कि मैंने छोड़ दिया था, मैं सीधा निकल गया था, एक्चुअली यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ तो किसी को पता लगता ही नहीं है, सारे के सारे सीधे ही जा रहे हैं।
टाइम हो गया है 5:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ दिस्किट मोनेस्ट्री की जो पॉपुलर स्टेचू है वहाँ पे। और अभी यहाँ पे जय भैया ड्रोन शॉट ले रहे हैं जो आपको अब इंजॉय करने को मिलेंगे। पहले बिना किसी देरी के जो इसके कुछ वी रोल्स हैं वो आप इंजॉय कीजिए। मोनेस्ट्री के ऊपर से जो यहाँ का व्यू है वो भी काफ़ी अल्टीमेट आ रहा है वैली का। ये देखिए तो अब यहाँ के जो सीन है वी रोल से आपने देख लिए होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अभी हाल फिलहाल आप क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और शायद अब हम हंडर या हुंडर जो भी है वहाँ पे जाएंगे और आज का स्टे शायद वहाँ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे वापस बाइक पे। तो टाइम हो गया है 6:16 और हम लोगों ने जो यहाँ पे दिस्किट मोनेस्ट्री का था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हाल फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे हंडर की साइड। सो फार सो गुड, बढ़िया था। हम देखते हैं कब तक हम पहुँच पाते हैं। थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि राजस्थान की बाइक्स नहीं मिल रही, तो यहाँ पे अभी अभी RJ 27 की RJ 9 की गाड़ियाँ आई हैं। उदयपुर से आ रहे हो सारे ही? कब निकले थे? 4 को। पांग रात को रुकोगे वहाँ पे? थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, रात को सांस लेने में दिक्कत आती है वहाँ। हम लोग भी रुके थे इसलिए बहुत परेशान हुए थे। चलो ठीक है भाई, सेफ जर्नी है ना, मिलेंगे। ठीक है भाई, ओके, सेफ जर्नी। तो भाई लोग उदयपुर से निकले हुए हैं और 4 तारीख से निकले हुए हैं। जम्मू क्लिफ हैंगर और भी जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो आज फाइनली बढ़िया लगा इन लोगों को देखकर। तो भाई पेश करते हैं लद्दाख के अंदर रेत के टीले। वाह, अलग ही सीन हो गए हैं, अलग ही पूरा माहौल हो गया है। फिर साइड में देखो फुल रेत, इधर रेत, मतलब पहाड़ों के बीच में रेत कहाँ से आ गई यार। यहाँ से हुंडर मात्र 4 किलोमीटर और है और अभी हम 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और 127 किलोमीटर हमने कर लिए हैं और टाइम हो गया है 6:40। तो यहाँ नीचे आपको दिख रहे होंगे ये है हंडर के ड्यून्स जहाँ पे शायद कैमल सफारी होती है। मैं भी ये है या हाँ यही है, वो देखो वहाँ पे कैमल सफारी चल रही है आगे की साइड। तो अभी हम इस पत्थर वाली रोड से होके जो यहाँ की कैंपिंग साइट है वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ पे। ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, ज़बरदस्त। टाइम हो गया है 7:21 और हम लोग हंडर में आ चुके हैं
और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं ये रेत है, मतलब इसको रेत मान रहे हैं, ये बजरी जैसी लग रही है मुझे तो। यहाँ का क्या है, भीड़ भड़का बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप मेरे पीछे ये गाड़ियाँ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आए हुए होंगे। और उस साइड वहाँ पे जो है कैमल सफारी चल रही है, लोग बाग जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं दो कुबड़ वाले ऊँट होते हैं जो यहाँ की विशेषता है, वहाँ पे जाके वो कैमल सफारी कर रहे हैं। तो कैमल सफारी के लिए भी देखो वहाँ पे कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, और यहाँ पार्क में भी जगह जगह भीड़ वाले झुंड बने हुए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो है यहाँ पे इस रेगिस्तान के अंदर भी पानी आ रहा है आगे से, जो अपन ने देखा था वहाँ दिशकित मोनेस्ट्री के आसपास से जो पानी है वो शायद यहाँ से आ रहा है। और वो जो टीले हैं मैंने आपको मोटर ब्लॉक के अंदर दिखाई दिए थे, और यहाँ कुछ वैली का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और उस साइड अभी सनसेट चल रहा है, तो उसके कारण जो वो वाले जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन दिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी भीड़ भड़का है, इस टाइप से देख के मेरे तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही कि मैं वहाँ जाऊँ। और वो डबल हम्प ऊँट, मतलब जो कि डबल कुबड़ वाले ऊँट हैं, वहाँ पर जाके सफारी करके आए। सफारी के मामले में अपने राजस्थान के जैसलमेर के ऊँट बढ़िया, लेकिन हाँ वहाँ के जो ऊँटों की, यहाँ के जो हंडर के ऊँट हैं उनकी क्लिप आप देखिए। टाइम हो गया 8:30 और हम लोग हंडर में आ चुके हैं। हमने ये कैंप ले लिया है, मतलब कैंप साइट है, वहाँ पे हमने टेंट ले लिया है हमारा। ये टेंट हमें 2500 रुपए का पड़ा है, 2500 या 2100 व्हाटएवर जो भी है फाइनल प्राइस करी जाएगी। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं फर्स्ट बार टेंट का एक्सपीरियंस करेंगे। आज का दिन काफ़ी लंबा रहा, ब्लॉग भी शायद काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन होप सो आपको बढ़िया लगा होगा। आपको एक बार ये टेंट है उसका अभी यहाँ पे व्यू दे देता हूँ। बाहर से जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे बैठने के लिए दो चेयर्स दी हुई है, वेलकम। और यहाँ पे ये जिपर है, यहाँ से हम जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद तो यहाँ पे एंटर करते हैं, हमने हमारा सामान है वो बखेर दिया, बिखरा दिया है। सामान को हम कम से कम खोलेंगे, 11 बजे तक यहाँ पे लाइट आती है, तो फटाफट हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। और उससे पहले ये यहाँ पे, ये है यहाँ पे बाथरूम, मतलब नहाने का स्थान, और ये है हल्के होने का स्थान। यहाँ पे वॉश बेसिन भी है, लेकिन जो शीशा है वो शीशा यहाँ कहीं बाहर वहाँ कोने में पड़ा है। तो ये है यहाँ का रूम टूर। जयपुर से अपने कुछ भाई बंधु मिले हैं, तो उनके साथ अभी यहाँ पे थोड़ी मस्ती करेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं सबकी अपडेट मिलती रहे। आपका कोई भाई बंधु है, दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई भी है जिसको कि ये सब चीज़ें पसंद हैं, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना भाई, शेयर कर देना। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम सुबह निकलेंगे जल्दी, कोशिश करेंगे जल्दी, वैसे निकल तो नहीं पाते पैंगोंग लेक के लिए, तो आज बाय बाय ये करेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन खुश रहो मस्त रहो। तो बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय शब्बा खैर, आ जा बाय करते हैं। बोलना सीख, बोलना सीख। ये है ना, इसको मतलब पता नहीं कैमरे के सामने बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी।